कर दो, अपना प्यार बढ़ा के रखो। ब्लॉग विद ब्रदर। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आपका भाई आदर स्वागत करते हैं अपने चैनल पे ब्लॉग विद ब्रदर। तो गाइस, जो लोग मुझे नहीं जानते हो, अब जानोगे कैसे भाई, मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, बट हाँ मैं एक कॉमन मैन हूँ और मुंबई में स्ट्रगल करता हूँ। एक आर्टिस्ट हूँ और यहाँ स्ट्रगल करता हूँ, ऑडिशन देता हूँ, यानी एक राउंड फिगर में समझ लो तो हीरो बनने आया हूँ मुंबई, और उसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई। तो मैं हर रोज़ ऐसे ही ब्लॉगिंग करता हूँ, कभी ऑडिशन देने जाता हूँ वहाँ ब्लॉगिंग करता हूँ, कभी बाजू में कोई घूमने वाली जगह है वहाँ ब्लॉगिंग करता हूँ, कभी मुंबई में बहुत सारे फेमस बीचेस दिखाता हूँ, कभी स्टंट दिखाता हूँ। आपका भाई फुल ऑलराउंडर है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप तो जानते हो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। बस मैं उस सारे कॉम्पिटिशन को ताक पर रख के, दिल खुश करके, और बस कंटिन्यू 4 साल से लगा हुआ हूँ, आगे भी लगा हुआ रहूँगा। एक कहावत सुना ना आपने, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गाइस, मैं कंटिन्यू 4 साल से लगा हुआ हूँ यहाँ, बॉलीवुड का ऑडिशन देता हूँ जो भी आता है, कभी वेब सीरीज का ऑडिशन देता हूँ, कभी फिल्म का ऑडिशन देता हूँ। ऐसी बात नहीं, काम नहीं मिलता है, छोटा छोटा आप तो जानते हो कि स्ट्रगल धीरे 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 ऊपर की ओर लेके जाता है, सक्सेस की ओर। तो अभी एक दो फिल्मों में काम भी किया हूँ मैं, कुछ वेब सीरीज में किया हूँ, अच्छे कैरेक्टर में किया हूँ, अभी एक मेरी सीरियल भी आने वाली है। तो काम अभी स्लो चल रहा है, बट आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिएगा इसे आगे बढ़ने के लिए। अब हीरो बनना इतना आसान तो है नहीं, तो मेरे हिस्से का स्ट्रगल तो मुझे ही झेलना पड़ेगा। तो बस यही कहना था। तो गाइज़ यही बोलना था कि आप तो जानते ही हो कि एक मुंबई शहर में रहना, स्ट्रगल करना, हर रोज़ बाहर जाना, जिम करना, बॉडी बिल्डिंग करना, कुछ भी इतना आसान नहीं होता है। तो स्ट्रगल चाहे छोटा हो या बड़ा, स्ट्रगल तो स्ट्रगल होता है गाइज़। तो मुझे ये सब एक्सेप्ट है, मैं 4 साल से कंटिन्यू कोशिश कर रहा हूँ, और अभी मैं लेटेस्ट ये अपना ब्लॉग का चैनल स्टार्ट किया हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो यार। अभी स्टार्टिंग में मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ कि कैसे क्या बोला जाता है, बट मैं धीरे धीरे स्लोली मैं सीख जाऊँगा। तो गाइज़ बहुत जल्दी बहुत